हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल के शर्मा। आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ और यूनिक्स कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए और देखते हैं कि और कौन-कौन से यूनिक्स कमांड्स हैं। पासवर्ड कमांड, तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में पासवर्ड कमांड का क्या यूज़ है। तो अगर कोई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसके लिए पासवर्ड कमांड को यूज़ करते हैं। तो सिंपली अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, PASWD। लिख करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका करंट यूनिक्स पासवर्ड क्या है। तो करंट यूनिक्स पासवर्ड आप लिखेंगे, यानी कि जो पासवर्ड आप पहले यूज़ कर रहे थे वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको उस पासवर्ड को चेंज करना है, नया पासवर्ड देना है, तो एंटर न्यू यूनिक्स पासवर्ड। तो यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड लिखेंगे, यानी कि जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, वो पासवर्ड लिख करके फिर ये कहेगा कि रीटाइप न्यू यूनिक्स पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने ऊपर दिया है वही पासवर्ड आपको नीचे रीटाइप करना पड़ेगा, ताकि जो पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं आपका वही पासवर्ड अपडेट हो सके। तो रीटाइप न्यू यूनिक्स पासवर्ड में आप वही पासवर्ड लिख करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट टाइम जो है जब आप लॉग इन करेंगे यूनिक्स कमांड के ऊपर, तो आपका जो पासवर्ड है वो पिछला वाला चेंज हो करके नया पासवर्ड जो आपने दिया है वो पासवर्ड जब आप डालेंगे तभी आप लॉग इन कर पाएंगे। तो ये था पासवर्ड कमांड का यूज। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हु कमांड। तो आइए देखते हैं कि हु कमांड का क्या यूज है। तो हु कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस में समझेंगे कि हु कमांड का क्या यूज़ है। तो हु कमांड लेट्स यू डिस्प्ले द यूजर्स दैट आर करंटली लॉग्ड इनटू योर यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम। तो हु कमांड क्या करता है, वैसे बंदों की लिस्ट आपके सामने शो करता है जो करंटली यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन हुए थे। तो हु कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है WHO हु, उसके बाद एंटर प्रेस करनी है। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। और एंटर प्रेस जब करेंगे तो आउटपुट में वो लोग या वो यूज़र जो यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम पे करंटली लॉग्ड इन हुए थे उन यूज़र्स की लिस्ट आ जाएगी। बट यहाँ पर एक ही यूज़र है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन हुआ था और उसका नाम है कुमार। तो यूज़र नेम कुमार है, उसके बाद PTS/10 ये जो है डिवाइस का नाम है और ये इस तारीख को लॉग इन हुआ था 18 मार्च 2020 को, और इतने बजे लॉग इन हुआ था 19:08 पे। तो इस तरीके से वो कमांड जो यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम पे जो करंटली लॉग्ड इन हुआ था उसकी लिस्ट दिखाता है, साथ ही साथ सिस्टम का नाम दिखाता है, कौन सी डेट को वो लॉग इन हुआ था, कौन से टाइम में वो लॉग इन हुआ था और कहाँ से उसने लॉग इन किया था वो भी दिखाता है। तो यहाँ पे PC123.heavens.com, तो ये जो है मशीन का नाम दिखा रहा है कि कहाँ से वो लॉग इन हुआ था। तो अब आगे देखते हैं कि हु कमांड का जो है और क्या यूज़ है। तो सिंपली जब यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हु के साथ हम HU टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इट शोज हेडर ऑप्शन लाइक नेम, लाइन, टाइम, एक्टिविटी, PID, होस्ट नेम। तो ये क्या करेगा, आपका जो है जो हेडर ऑप्शन है, हेडर ऑप्शन को भी ये शो करेगा।
जैसे यहाँ पर कुमार आया, तो कुमार क्या है, यूजर का नाम है, तो यूजर नेम लिखा हुआ आना चाहिए था। यहाँ पर PTS अपॉन 10 है, तो PTS अपॉन 10 क्या है, यह डिवाइस नेम है, तो ऊपर हेडर ऑप्शन में लिखकर आना चाहिए था डिवाइस नेम। उसी तरीके से ये डेट है, तो ऊपर लिख करके आना चाहिए था डेट। तो जब हम हु कमांड के साथ HU लिखते हैं तो ऊपर हेडर ऑप्शन भी आ जाती है। तो यहाँ पर आउटपुट में हम देख सकते हैं कि नेम, आपका लाइन, आपका टाइम, आपकी एक्टिविटी, PID, होस्ट नेम, ये सब क्या है, ये सब हेडर ऑप्शन है। और ये वो लिस्ट है, उन यूजर्स की लिस्ट है जो करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन हुए थे। कमलेश नाम का बंदा, कमलेश नाम की लड़की, यादव नाम का जो है लड़का, स्टेला नाम का, जेफर नाम का, ये सारे वो यूजर्स हैं जो यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम पे करंटली लॉग्ड इन हुए थे। और ये लाइन का मतलब यहाँ पर है, ये सिस्टम का नाम है जिस सिस्टम पर वो लॉग इन हुए थे। और ये टाइम है, ये एक्टिविटी मतलब इतने सेकंड तक, 15:25 पर इसने एक्टिविटी शुरू की थी। उसके बाद प्रोसेस आईडी भी उसका दिखा देगा यहाँ पर, और होस्ट नेम वो भी आपका दिखाएगा। तो ये है आपका हु कमांड का, जो है थोड़ा सा डिटेल में उसका क्या यूज़ है वो है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हु एम आई कमांड। तो भाई हम जानना चाहते हैं कि किन किन बंदों ने हु कमांड को रन किया था, किन किन बंदों ने हु कमांड को चलाया था। तो उन बंदों की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो इट गिव्स डिटेल अबाउट हु इनवोक्ड हु कमांड। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके हु एम आई लिखना है, और इनके बीच में स्पेस नहीं डालना है। हु एम आई जो है तीनों वर्ड एक साथ लिखना है, और लिख करके एंटर प्रेस करनी है। तो आपके सामने जो है उस बंदे की लिस्ट आ जाएगी जिन बंदों ने हु कमांड को इन्वोक किया था, जिन बंदों ने हु कमांड को चलाया था। तो यहाँ पर आउटपुट में मैंने हु एम आई कमांड को रन किया, तो अनुराग नाम का एक व्यक्ति आया है। तो ये बता रहा है कि अनुराग नाम के व्यक्ति ने हु कमांड को एग्जीक्यूट किया था, रन किया था। तो बेसिकली यही हमारा है हु एम आई कमांड का यूज़। इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट कमांड जो है उसका नाम है यूनेम कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में यूनेम कमांड का क्या यूज है। तो यूनेम कमांड जो है, इट डिस्प्ले नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को डिस्प्ले करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसको जानने के लिए यूनिक्स में एक कमांड दिया हुआ है जिसका नाम है यूनेम कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनेम कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल में आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे यूनेम, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। तो आपके पास आउटपुट में आएगा लाइनेक्स, इसका मतलब ये है कि आप लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि जो लाइनेक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उस लाइनेक्स का वर्जन क्या है। तो सिंपली यूनेम कमांड के साथ आपको हाइफन आर टाइप करना है और एंटर प्रेस करनी है, तो ये डिस्प्ले करेगा द वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये वर्जन को शो करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट में 2.4.18-14 ये क्या है, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन शो कर रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से हम होस्ट नेम या कंप्लीट होस्ट नेम जानना चाहते हैं, तो यूनेम के साथ हाइफन एन लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये डिस्प्ले करेगा या तो होस्ट नेम या कंप्लीट होस्ट नेम। तो यहाँ पर आउटपुट में मरकरी आपका होस्ट नेम है,
और मरकरी डॉट हेवेंस डॉट कॉम ये आपका कंप्लीट होस्ट नेम है। तो इस तरीके से यूनिम कमांड को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानने के लिए सिंपली यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे यूनिम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा लिनक्स के वर्जन को जानने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिम हाइफन आर प्रेस करेंगे। और तीसरा होस्ट नेम को जानने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूनिम के साथ हाइफन एन प्रेस करेंगे तो होस्ट नेम हमारा आ जाएगा। तो मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। बाकी के कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।